वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, वीकेंड तड़का बाय ईशा बख्शी। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ सोया नूडल्स। फ्रेंड्स, बहुत ही यमी इसकी रेसिपी है। फ्रेंड्स, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, इसमें मैं कुछ टिप्स आपको बताने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। नूडल्स बनाने के लिए मैंने हक्का नूडल्स लिए हैं। एक पैन लिया है जिसमें मैंने 2 ग्लास वाटर डाला है और साथ में अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 स्पून ऑयल, ताकि हमारे नूडल्स आपस में ना चिपके। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है और जैसे ही पानी थोड़ा गर्म होगा तो हम गुनगुना जब होगा तो हम उसमें नूडल्स डाल देंगे और इसको कवर करके रख देंगे। फ्रेंड्स, तो सबसे पहली टिप मैंने आपको बता दी है कि पानी में ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे नूडल्स आपस में ना चिपके। तो एक छोटा सा हम कोई भी कंटेनर ले सकते हैं जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और थोड़े से मैंने ये न्यूट्रीला डाले, ये सोया जिसे बोलते हैं, सोया चंक्स। फ्रेंड्स, और इसे 1/2 आवर के लिए भिगो के रख दिया है। थोड़ी देर के बाद हम पैन का कवर हटाकर देखेंगे कि हमारे नूडल्स बॉयल होना स्टार्ट हुए या नहीं हुए। तो हम देख रहे हैं नीचे से थोड़े से स्टार्ट हो चुके हैं, तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। हल्का सा प्रेस करके इन नूडल्स को आपस में तोड़ देंगे और इनको अच्छे से बॉयल होने देंगे। 5 मिनट्स में आपको नूडल्स अच्छे से बॉयल्ड हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे नूडल्स रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें पानी से अच्छे से धो लेंगे और इसे एक छन्नी में डाल लेंगे। खुले पानी से हमें इन्हें धोना है ताकि जितनी भी इनमें चिपकन है वो अच्छे से वॉश हो जाए। और आप देख सकते हैं कि अभी बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपक रहे हैं, तो हमारे ये नूडल्स परफेक्टली रेडी हो चुके हैं। अब हम देखेंगे अपने सोया को, तो हम प्रेस करेंगे तो ये सोया चंक्स भी हमारे प्रॉपरली रेडी हो चुके हैं। तो हम इनको पानी से बाहर निकाल लेंगे प्रेस करके अच्छे से। तो एक प्लेट में मैंने ये कैप्सिकम और ये मैंने पत्ता गोभी और न्यूट्रीला, ये सब को मैंने अच्छे से बिल्कुल चॉप्ड करके रेडी करके रखा है। एक शिमला मिर्च ली है, एक ही मैंने पत्ता गोभी लिया और थोड़े से न्यूट्रीला लिए हैं। तो हमारी सब्जियाँ कट कर रेडी हो चुकी हैं। एक पैन लेंगे, कढ़ाई या पैन आप कुछ भी ले सकते हैं। उसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है और उसके बाद मैंने इसमें 2 स्पून जिंजर गार्लिक की पेस्ट डाली है और उसके बाद मैंने इसमें डाल रही हूँ 2 चॉप्ड अनियन। फ्रेंड्स, अनियन को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक लंबे लंबे स्लाइसेस में कट किया है और अच्छे से हम इन्हें रोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। हमें प्रॉपरली रोस्ट नहीं करना है, जैसे ये पिंकिश कलर के होने स्टार्ट हो जाएंगे तो हम इसमें फटाफट से मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें नमक डाला है, आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा मैंने इसमें मैगी मसाला डाला है ताकि हमारे नूडल्स में थोड़ा सा यम्मी टेस्ट आए, क्रिस्पीनेस हो। तो मैंने इसमें 1/2 स्पून मैगी मसाला, 1/2 स्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 स्पून मैंने नमक डाला है। और अब मैं इसमें सब्जियां डाल रही हूँ, तो शिमला मिर्च, न्यूट्रीला, पत्ता गोभी, अच्छे से मैं सारी सब्जियां डालकर इसको मिक्स कर लूँगी। और कम से कम हम इसको तेज गैस फ्लेम पर ही 4 मिनट्स के लिए अच्छे से रोस्ट होने देंगे। हमारी ये जो सब्जियां हैं पूरी प्रॉपरली हमें पकानी नहीं है। आपने स्ट्रीट फूड में चाउमीन खाई होगी, तो वही हम सेम रेसिपी बना रहे हैं। तो 4 मिनट्स के बाद हम इसमें कुछ और भी ऐड करेंगे। तो आप सब देख सकते हैं हमारी जो सब्जियां हैं अच्छा सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे काली मिर्च। फ्रेंड्स, तो ये मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ काली मिर्च अच्छे से। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। नमक और लाल मिर्च मैं पहले ही डाल चुकी हूँ और मैंने थोड़ा सी मैगी मसाला भी स्टार्टिंग में ही डाल दिया था। तो अब मैं इसको अच्छे से हिलाने के बाद ये जो नूडल्स हैं ये बच्चों के बहुत फेवरेट हैं और बहुत ही पसंद आते हैं उन्हें। तो आप बाहर से मंगवाने की जगह घर पर ही बनाकर खा सकते हैं। फ्रेंड्स, हेल्दी फूड। अब मैंने इसमें डाली है 1 स्पून पिज़्ज़ा सॉस। फ्रेंड्स, मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ नूडल्स, बॉइल्ड नूडल्स, और सारे नूडल्स हम डाल देंगे
और उसके ऊपर मैंने डाला है सोया सॉस फ्रेंड्स। तो आप सोच रहे होंगे तो मैंने इस कितनी सोया सॉस डाली है, तो मैंने इसमें 2 स्पून सोया सॉस डाली है, जिससे हमारी जो नूडल्स का कलर बहुत अच्छा आए। और साथ ही में मैं डाल रही हूँ इसमें चिली सॉस, साथ में मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी टोमेटो सॉस भी, और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप सब देख सकते हैं कि हमारे जो नूडल्स हैं वो अच्छे से प्रॉपरली मिक्स हो रहे हैं और अच्छा सा कलर भी आ चुका है, तो सारी सब्जी भी अच्छे से मिक्सअप हो चुकी है। लास्ट में मैंने इसमें डाला है 1 स्पून विनेगर, और फटाफट से हिलाने के बाद हम इसको कैसरोल में शिफ्ट कर देंगे, ताकि जब भी आपको सर्व करना हो आप इसे गरम गरम सर्व कर सकते हैं। और हमारे ये नूडल्स सोया नूडल्स बनके रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।